हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेके। तो गाइज ये है रेडमी का A3। तो गाइज आज इस फ़ोन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे फ़ोन कैसा है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये फ़ोन आपको कैसा लगा। जल्दी से आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं, जल्दी से इस फ़ोन की करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं फ़ोन कैसा है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का, यहाँ पर आपको रेड कलर का यहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिलता है। बॉक्स पर आपको A3 की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो गाइज बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। तो यहाँ पर आपको 7,000 रुपये की रेंज में 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ही आपको मॉडल देखने को मिल जाएगा। साथ में इसमें आपको कई सारे वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, 4/128, 8/128 तरीके के यहाँ पर आपको मॉडल देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के बैक साइड में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको प्रीमियम हेलो डिज़ाइन देखने को मिलता है, 2/12 GB यहाँ पर आपको रैम देखने को मिल जाती है, साथ में पावरफुल ऑक्टा कोर यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 90Hz के यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.71 इंचेस की। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, 5000mAh बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो बस बात करें इसके वेरियंट की, जो हम अनबॉक्सिंग करने वाले 4GB और 128GB वेरियंट की आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे फ़ोन के बारे में। तो गाइज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना ये फ़ोन आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना मत। तो जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स और आपको निकाल के दिखाते हैं फ़ोन कैसा। तो बॉक्स ओपन कर लिया हमने। बॉक्स ओपन करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हैंडसेट देखने को मिल जाता है, साथ में इसे कर देते हैं साइड में और दिखाते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या मिलता है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको सिम एजेक्टर टूल देखने को मिलता है सिम लगाने के लिए और निकालने के लिए चीज़ काम आती है। इसे रख देते हैं इस साइड में और दिखाते हैं आपको फ़ोन के अंदर क्या निकलता है। तो इसके अंदर एक आपको सी टाइप डेटा केबल देखने को मिलती है और एक यहाँ पर आपको वाइट कलर का डेटा केबल के साथ वाइट कलर का यहाँ पर आपको पावर अडाप्टर देखने को मिलता है, जो कि आता है 10W के साथ ही आपको पावर अडाप्टर देखने को मिल जाता है। नॉर्मल चार्जर है, इतना खास आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। बात करें अगर हैंडसेट की तो इसे करते हैं बाहर। अगर बात करें इसके लुक और डिज़ाइन के तो काफ़ी अमेजिंग लुक और डिज़ाइन के साथ ही आपको फ़ोन देखने को मिलता है। 7,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा और ग्लास बैक में आपको लुक देखने को मिलता है। ऊपर की साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक फ्लैट फ्रेम के साथ यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है और साथ में एक ईयरफोन जैक देखने को मिलता है, और साइड में आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है एक, और साथ में इसी में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। फ़ोन को कर देते हैं ऑन और आपको दिखाते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले, इस फ़ोन का कैमरा कैसा है। तो नीचे की साइड में आपको यहाँ पर आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक आपको यहाँ पर आपको माइक देखने को मिल जाता है। जब तक फ़ोन हो रहा है बात करें इसके साइड के बॉर्डर की, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्लैट बॉर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। करके बोलता है